और करनाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन और किसान नेताओं की जो बैठक थी वो भी बेनतीजा निकली है। इससे पहले कल भी एक बैठक हुई थी, वो भी बेनतीजा निकली थी। प्रशासन के साथ किसानों की जो बैठक थी अब वो जीरो रिजल्ट के साथ सामने आ चुकी है। तो करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और किसानों ने एक बार फिर से अपनी पुरानी मांगों को सामने रखा प्रशासन के, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इस बैठक के बाद अब करनाल के डीसी ने क्या कहा वो आप सुनिए। किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरीट पे। तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरीट पे। तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। किसानों की तरफ से महापंचायत का कॉल हुआ था अनाज मंडी में और उसके बाद ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरीट पे। तो हमने इनको कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी। संयम का पुलिस ने जो है संयम बरता और सभी किसान संगठनों की तरफ से इस पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया, इसकी प्रशंसा की गई कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखी, किसी भी प्रकार का टकराव जो है वो नहीं होने दिया। हमने इनको स्पष्ट भी किया है कि आगे भी प्रशासन कोई टकराव नहीं चाहता और ये जो इनका धरना चल रहा है इसको ये शांतिपूर्वक चलाते रहें, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना होने दें। सारे के सारे किसान संगठनों ने, सभी किसान नेताओं ने हमें आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने घोषणा भी की है मंच से कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा।